नोबिता जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो, क्या बात हो गई? इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जी हाँ, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है, ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि क्या जियान को, ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। हे ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है, सुनियो। दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डर कर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना। और उसकी तोंद भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे एक घंटे में यही मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जियान जैसे लड़की के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता, बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने फोटो खींची। वो फोटो यहीं कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची, ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम ही बताओ इसका क्या करें। तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आखिर एक 22nd सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल के हो डोरेमोन, थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22nd। हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? और फिर आसपास की चीजें हटाकर सिर्फ लड़की को देखेंगे। वाओ, कितनी प्यारी है। हाँ सच कहा, वो तो अपने डॉगी को घुमा रही है। वो शायद रोज अपने डॉगी को पार्क में सैर करवाने लाती होगी इसी टाइम पर। ये लो। मेरे पास एक आइडिया है, जियान को उसी टाइम पर अपने डॉगी मूकू को वहाँ पर सैर करवाने ले जाना चाहिए। हाँ, इस तरह वो दोनों मिलेंगे, उनकी आंखें चार हो जाएंगी और जियान का काम हो जाएगा। हाँ तुमने सही कहा, और फिर वो बातें आगे चलकर वो गहरे दोस्त बन जाएंगे, हमारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन ये गलत है। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान को अच्छे से बोलना नहीं आता, मुझे डर है कि वो गड़बड़ ना करे। और उसके साथ एक माइक। तुम स्पीकर को उसके चेहरे पर लगा दो और किसी और को उसकी जगह बोलने दो। पता है इससे तो गूंगे को भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे नोबिता, बोलो?
ओह मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं 10 डोरा केक्स खाना चाहता हूँ अभी। अरे वाह मजा आ गया। जियान तुम अपने डॉगी को सैर करवाने जाओ और वहाँ उस लड़की से मिलो, यही हमारा प्लान है। वो तो ठीक है पर क्या ये प्लान काम करेगा? तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो जियान, मैंने बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स याद की हुई हैं। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती इस बार उस लड़की से हो जाएगी। वादा करते हो? फिर तो मैं ये जरूर ट्राई करूँगा। सुनियो मुकू मुकू चलो आज हम सैर करने चलेंगे, मेरे साथ चलोगे ना? चलो मुकू अब हम निकलते हैं। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मुझे पता है कि हमेशा तुम्हें जय को ही सैर करवाने ले जाती है। चलो पार्क में चलते हैं। हाँ? तुम्हें लगता है कि आज बारिश होने वाली है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए आज हम सैर करने जाने ही वाले हैं। हाँ? हाँ अब वो लड़की अपने डॉगी के साथ पार्क में आती ही होगी। जियान फिर तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए, जल्दी जाओ। हाँ मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। फिक्र मत करो जियान, हम लोग कुछ ही दूरी पर तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो वुकू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? क्या हम तुम्हें रोज खाना नहीं देते? ये डॉगी तो अजीब हरकतें कर रहा है। लगता है जियान का डॉगी भी बिल्कुल जियान की तरह है। मुकू बस बहुत हो गया, आप बस भी करो। हे नोबिता जरा सुनो, वो लड़की अभी तक नहीं आई है, क्या तुम्हें लगता है कि वो आ जाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन सुनियो मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब जरा ध्यान से सुनो नोबिता, मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, अगर उसे वो लड़की मिल जाए तो मुझे बुला लेना, समझे? हाँ अरे सुनियो तुम तो बड़े आलसी हो। मैं बहुत थक गया हूँ, पता नहीं ये लड़की कब आएगी। मैं क्या करूं? मुझे उससे बात करनी है। आखिर ये सुनियो कर क्या रहा है? जो भी हो मैं अभी उसके पास जाता हूँ। हाँ वो लड़की आ गई है, मेरे पास सुनियो को जाकर उठाने का टाइम नहीं है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? अरे वो तुम्हारी डॉगी तो बहुत ही प्यारी है, मुझे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है सच में। अच्छा वैसे तुम्हारा डॉगी तो बहुत ताकतवर लगता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम म्यूक है, नहीं रुको इसका नाम बेंजी है सच में। अरे मेरे डॉगी का नाम भी बेंजी है। अजीब बात है दोनों का नाम एक ही है। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हारे डॉगी को छोटा बेंजी कहेंगे और मेरे डॉगी को बड़ा बेंजी, ठीक है ना? ये तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे सुनियो को ही बुलाना चाहिए। बस करो मुकू। सुनियो अरे वो कहाँ चला गया है? सुनियो नोबिता नोबिता मैं यहाँ हूँ। आवाज यहाँ से आ रही थी। नोबिता जरा ये बताओ कि क्या वो लड़की आई? हाँ आ गई है, ऐसे टाइम पर तुम अंदर क्या कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना रुक जाओ। हाँ मेरा बेंजी। ओह मेरा बेंजी, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। मेरे बेंजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम बहुत बुरे हो। रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, आई एम सॉरी। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। पता नहीं जियान उस लड़की से मिला या नहीं, लगता है मुझे ही जाकर चेक करना होगा। अरे लिखा है कि पेंट गीला है। बचाओ
मुझे। जरा सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो नोबिता। तुम जरा जल्दी करो सुनियो। जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, रब से बेगाना हुआ। अब तो मुझे ये जग भी दीवाना लागे रे, और वो भी तब से जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। आई एम सॉरी पर तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हो। बाय। काश वो नोबिता और सुनियो मुझसे ये सब सही वक्त पर कहलवाते। प्लीज तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है, हम लोग घूमने भी चलेंगे, प्लीज। बहुत बढ़िया सुनियो, कमाल हो गया। बहुत हो चुका, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो। मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है।